कंटिन्यूटी में बच्चों हमने आपको पहले उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज, एलजेब्रा ये सब बता दिया था, और आपको एक एग्जांपल कराते हुए एग्जांपल नंबर टू बता रहे थे। और अब ये देखिए पूरा क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स है, जबकि x 0 के इक्वल नहीं है, तब ये लेना है x sin 1 upon x, और 0 के इक्वल आए तो x इक्वल टू 0 है। तो बच्चों इसमें हमने ये काम करा कि x 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब x 0 से बड़ा है या फिर x 0 से छोटा है। x 0 के बराबर नहीं है तो x 0 से बड़ा है या फिर x 0 से छोटा है, यही बात होगी। और x 0 के बराबर है तो fx 0 होगा, यह दे रखा है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बच्चों लेते हैं, अब इसमें ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, और ये x इज इक्वल टू 0 माइनस h हो जाएगा, 0 माइनस h, x की वैल्यू माइनस h लगा दी और लिमिट h टेंस टू 0 चलने लगा, h टेंस टू 0, और ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और x की वैल्यू यहां माइनस h हो गई और साइन 1 अपॉन माइनस h, और ये बच्चों माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया साइन 1 अपॉन h इंटू h। और अब बच्चों ये करा जाएगा, इसमें आपको ये काम करना है, ये h साइन 1 अपॉन h है तो ये साइन 1 अपॉन h और ये 1 अपॉन h हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ऐसा आप सोच रहे हैं अभी तक, यही इसलिए मैंने लिख दिया पहले से, ये आप सोच रहे हैं, मैंने सोच रहा है इसको। अब क्या होगा, इसका जो सही है मेथड, ये सब बच्चे यही करते हैं इसलिए मैंने पहले लिख दिया, अब आप हमारे आमने सामने नहीं बैठे हैं इसलिए बच्चों आमने सामने ना बैठे होने की वजह से मैंने ये लिख दिया, ये गलत है, ये गलत, यही करते हैं बच्चे कि सर आपने तो ये समझाया था साइन थीटा अपन थीटा, और सर साइन थीटा अपन थीटा वन होता है, बस हो गया, और फिर जब एग्जाम हो जाता है तब भी लेके इस बात को चले आते हैं कि सर आपने तो यही कराया साइन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट एच टेंस टू 0 1 होता है, एच साइन 1 अपॉन एच, एच साइन 1 अपॉन एच, ये बच्चों होगा ये 0 और ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, और बच्चों साइन इन्फिनिटी ये देख लीजिए ये नहीं होगा, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चे सामने बैठे होते हैं तो उनसे जब मैं ये पूछता हूं तो वो यही काम करते हैं साइन वन अपान एच और अपान में इसे ले जाते हैं, तो मैंने कर दिया था इसीलिए क्योंकि आप है नहीं सामने, ये 0 और साइन इन्फिनिटी हो जाएगा ए फाइनाइट क्वांटिटी लाइन बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 1, ए फाइनाइट क्वांटिटी लाइन बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 1, और फाइनाइट क्वांटिटी ये 0 हो जाएगी, ये बच्चों 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 0 आ गया रिजल्ट, ये फाइनाइट क्वांटिटी अगर 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट निकाली जाएगी, राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस प्लस, और ये बच्चों प्लस, और फिर ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा राइट हैंड लिमिट, देख लीजिए बच्चों 0 प्लस में भी यही फंक्शन लेना है, 0 से बड़ी वैल्यू पर, 0 से बड़ी वैल्यू पर भी यही फंक्शन लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और fx at is equal to 0 पर, तीनों पर यही रिजल्ट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0,
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर ये तीनों इक्वल है तो बच्चों सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पर ये कंटिन्यूस है, ठीक है। अब बच्चों आप कुछ तो बात समझ गए होंगे थोड़ा मैटर को, और इसमें कुछ क्वेश्चन आगे हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स की तरफ। सिक्स एग्जाम्पल में देखिए एफ एक्स में कहा गया है कि 1 बाई टू माइनस एक्स 1, 3 बाई टू माइनस एक्स 1 बाई टू, ये 1 बाई टू और ये 1 बाई टू, ये हो गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन बाई टू, लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई टू निगेटिव एफ एक्स, लेट एक्स इक्वल टू वन बाई टू माइनस एच। इसमें वन बाई टू पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, वन बाई टू पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन बाई टू, लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई टू निगेटिव, ये सब में होगा एक काम जो हम लोग अलेवेंथ में करते थे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। अगर वो इक्वल होती थी तभी वो लिमिट उस फंक्शन की लिमिट मानी जाती थी। और बच्चों ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो गया। वन बाई टू से वन बाई टू कट कैंसिल हो गया, वन बाई टू से छोटी वैल्यू में ये रखा जाएगा, वन बाई टू माइनस, वन बाई टू माइनस एच, वन बाई टू माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये हो गया एच, ये हो गया जीरो। बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन बाई टू, लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई टू निगेटिव एफ एक्स, एक्स इक्वल टू वन बाई टू माइनस एच, एच टेंस टू जीरो, ये हो गया। वन बाई टू माइनस एच इसमें रख दिया जाएगा, वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, एच आ गया, एच जीरो हो गया। अब राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन बाई टू, और बच्चों ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई टू पॉजिटिव और एफ एक्स, तो x इक्वल टू वन बाई टू प्लस एच हो जाएगा और ये x टर्न्स टू जीरो और ये हो जाएगा वन बाई टू प्लस एच। बच्चों और वन बाई टू प्लस एच में ये हो जाएगा लिमिट x टर्न्स टू थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू प्लस एच, थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू वन माइनस एच, एच ये हो गया वन। ये देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन बाई टू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज एक्स इक्वल टू वन बाई टू, सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन बाई टू, नॉट कंटिन्यूअस हो गया, ये नॉट कंटिन्यूअस हो गया। बच्चों ठीक है, बच्चों तो यहां पर हमारी बात यह हुई कि अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन बाई टू में से कहीं पर भी कोई भी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो वो पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसके बाद और मैं आपको क्वेश्चन अभी बता रहा हूं,
ध्यान से देखते रहिए। अब नंबर नाइन्थ है बच्चों, fx is equal to 2x minus mod x, 2x minus mod x at x is equal to 0. fx is equal to 2x minus x, x जब 0 से बड़ा है तो mod x x हो जाएगा, x जब 0 से छोटा है तो mod x minus x हो जाएगा बच्चों। अब ये मॉड के बारे में आप ध्यान से देखिए, अगर मॉड एक्स को पहले डिफाइन कर लिया जाए तो मॉड एक्स की दो वैल्यू होती हैं, जिन्हें नहीं पता है, एक्स और ये माइनस एक्स। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और ये हो गया एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर है तो x हो गया, और जीरो से छोटा है तो माइनस एक्स हो गया। ये 2x माइनस x x हो गया और 2x प्लस x 3x हो गया, x जीरो से छोटा है। अब आप बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू जीरो में बच्चों क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव fx ले लिया जाएगा और लेट कर लिया जाएगा x इक्वल टू जीरो माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो और ये माइनस h बच्चों, और माइनस h जीरो से छोटी वैल्यू बच्चों इसमें लगा दी जाएगी तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू जीरो थ्री माइनस h, h जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो आ गया। और फिर राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, या जीरो प्लस या जीरो प्लस या जीरो प्लस, और जीरो से बड़ी वैल्यू पर आपको लिमिट एच टेंस टू जीरो ये वाला फंक्शन लेना है, ये एच ये जीरो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों बच्चों जीरो आ गए, अब ये बच्चों जीरो, अब आपको बात समझ में आ गई होगी, जीरो आ गए दोनों। अब एक्स इक्वल टू जीरो पर कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये वाला, एक्स की वैल्यू जीरो लगाइए इसमें तो ये जीरो आ जाएगा, कितना जाएगा बच्चों जीरो। सो एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना होगा, सो एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड, या फिर एंड लिख दीजिए एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो और ये हो जाएगा एफ जीरो और ये हो गया बच्चों जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो और एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, तीनों इक्वल है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज क्या, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आप अब समझे, और इसके क्वेश्चन में आपको कुछ करके भी दे रहा हूं और वो एक्सरसाइज के, और उसे आप समझिएगा और तब भी नहीं समझ में आए तो फिर आप उसको मुझसे पूछिएगा, क्योंकि वो सब एक ट्रेंड में है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो सब एक साथ करना है काम, और अगर तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूस है, तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है एक भी तो वो नॉट कंटिन्यूस है। तो बच्चों इसके बाद जो है अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, अभी इसमें काफी काम है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।